एक्शन लिसनर, मतलब दूसरे के बजाय अगर इसी क्लास में कर लें तो इसका मेथड ओवरराइड करना पड़ता है एक्शन परफॉर्म। ये ओवरराइड है, ये लिखना लाजमी, अगर इंप्लीमेंट करोगे तो लिखना लाजमी। और इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो हम बटन को दे, बटन क्लिक होने में ये मेथड कॉल होगा। अगर इसके अंदर मैं हेलो प्रिंट कराता हूँ, मैं बटन को बता दूंगा अपने ऊपर एक्शन लिस्नर ऐड कर लो, जो कि इसी क्लास में रखा हुआ है। अब ये एक्शन परफॉर्म मेथड ढूंढेगा जो इसी क्लास में मिल जाएगा। इस तरह हमने नेटबीन्स में इसमें स्टार्ट में किया, और लास्ट टाइम जो अनोनिमस क्लास बनाई थी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये करना क्या पड़ेगा, अब हम अपनी क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे उसको, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक्शन लिस्नर, इस तरह से पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और यहां पे ए पास कर दूंगा ऑब्जेक्ट उसके उसके अंदर मेथड मौजूद है। अब ये क्लिक होने पे जो भी उस मेथड में हम लिखेंगे वो काम करते हैं। एक्शन परफॉर्म के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे ना मेथड में वो चीज चल जाएगी। सही है, अभी तो नहीं होगा, अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ एग्जाम्पल लिखा ना, सेट साइज वगैरह सब चीजें होंगी, सेट साइज सेट ले आओ वगैरह सब। अभी तो सिर्फ मैं एक लॉजिकल दिखा रहा हूँ। तो एक्शन लिस्टर बाय डिफॉल्ट में खुद लगाना है, तो ऐसे लगा दो, नेट भी जबरदस्त क्लिक लगा दो। सही है, अब आ जाते हैं हम अपने इसके पास थ्रेड के पास, फ्रेम के ऊपर एक क्लास है स्विंग की, स्विंग पैकेज की टाइमर क्लास। टाइमर क्लास क्या करती है, ये बार बार खुद ब खुद चलती रहती है, स्टार्ट करेंगे एक दफा, स्टार्ट के बाद बार बार चलती रहेगी। हमें देना पड़ता है गैप, कितने गैप के बाद चले, एक सेकंड बाद, दो सेकंड बाद, तीन सेकंड बाद, हम गैप देंगे बनाते हुए टाइमर, उतने सेकंड बाद बार बार चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक कि हम स्टॉप ना करें। ठीक है, वो बस वो चलती रहती है, उसे कंडीशन में कोई फिट करे, अब इसे उसको चलाना है हमारा काम। सही है, चलती है टाइम हमसे मानती है, गैप हमसे मानती है, पहली चीज, दो चीजें मानती है पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलती है मैं काम क्या करूं, जब मैं चलूं तो काम क्या करूं। ठीक है, ये पीछे थ्रेड ही चलाता है, टाइमर क्या करता है, चलती है लेकिन फ्रंट पे नहीं, एक नया थ्रेड बना के चलती है, आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करती, नया थ्रेड बना के चलती है। तो दो चीजें, पहला गैप कितना देना है, दूसरा काम क्या करना है। काम जो करना है वो हमें बताना पड़ता है, आपने एक्शन क्या करना है। गैप आ गया मिली सेकेंड टाइम, काम क्या करना आ गया एक्शन। ठीक है, तो हमें एक्शन बताना पड़ेगा और टाइम बताना। टाइमर बनाते हैं यहाँ पे सोर्स कोड में आके, ग्राफिक्स वाला फ्रेम है, कंस्ट्रक्टर भी बना रहा होगा फिलहाल स्टार्ट में। टाइमर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टाइमर। टाइमर मैंने बनाया टी नाम से, नी ऑफ टाइमर। ठीक है, ये बनाते हुए इसके आर्ग्यूमेंट में यहां पे दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, पहला टाइम, टाइम में दे रहा हूं 2000, दो सेकंड बाद चल, पहला टाइम, दूसरा वो एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म क्या करे जो बटन मांगता था, वो हमें बनाना पड़ेगा यहां पे जैसे वहां बनाया था।
ठीक है, पर बनाया मेथड पूरा एक्शन लिस्टनर, वो एक्शन लिस्टनर इसको दे दिया, चलने पे काम क्या करेगी, हेलो प्रिंट कर, और चले 2 सेकंड बाद, 2000 मिलीसेकंड लिमिट नहीं होती इसको, इसको हमें रोकना पड़ेगा खुद से, बड़ा लिमिट नहीं होती। सही है? अब जब मैं ये फ्रेम रन करूंगा ना, तो ये मैंने टाइमर जो बनाया है ये अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करेगा, स्टार्ट थ्रेड कुछ भी नहीं करता था, स्टार्ट ना करे, ये भी हमने बना तो दिया लेकिन स्टार्ट नहीं। चले इसको स्टार्ट कर देते, हम यही स्टार्ट करके देखते हैं पहले ऑटोमेटिकली। मेथड है टी डॉट स्टार्ट, ठीक, अब ये स्टार्ट हो जाएगा और प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। हर 2 सेकंड बाद वहां पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये काम हम एक लेवल पे लगा लेते हैं, ग्राफिक्स में कर रहे हैं सारा काम, ग्राफिक्स पे करें ना। अब इसके अंदर इस लेवल पे हम काउंटर वगैरह लगा लेते हैं, कराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो टाइमर ही इतने बढ़ चल रहे, तो हमें स्लीप खुद कराने की जरूरत नहीं, रन मेथड में कराते हैं। सही, अब ये जो काम हो रहा है हमारा, ये काम हमारा हर 2 सेकंड बाद हो, काउंटर प्लस हो, थोड़ा टाइम कम कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ कि हर आधे सेकंड के बाद, आते हैं वापस, उसको बताता हूँ क्यों बताए। इस पे हमने फिलहाल प्रिंट कराया है, ठीक है, हर 500 मिलीसेकंड बाद हेलो प्रिंट हो। पहले इसमें चेंजिंग करते हैं थोड़ी सी, ये काम हम करते हैं किसी बटन के क्लिक, टाइमर बन जाए, बटन के क्लिक पे स्टार्ट करो ऑटो ना, तो हम ये टाइमर उठा के स्टार्ट का मेथड हटा देते हैं, टाइमर को कर देते हैं ग्लोबल ताकि कहीं से भी एक्सेस हो सके। और एक बटन लगा देते हैं यहां पे, स्टार्ट के बटन पे टाइमर
स्टार्ट हो गया, सही है, बना हुआ ऊपर है यहां पे और स्टार्ट हम कर रहे हैं स्टार्ट के बटन। सही है, क्लियर। अब आया था वो जो काम नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा उसका आया था, मैं गलती ये कर रहा था, मैं गलती ये कर रहा था इस क्लिक पे मतलब इसके एक चलने पे ये मेथड कॉल होता है, वो मेथड एक लूप चल रहा है 600 बार, फिर वापस आएगा, फिर 600 बार चलेगा, 600 कर रहा था तो वहां लूप नहीं लगेगा, लूप लगाते हैं रिपीटेशन के लिए, रिपीटेशन तो हो रही है वैसे ही हमारी, वो बार बार खुद ही कॉल हो रहा है, तो लूप लगाना और स्लीप करना ना ये नहीं करेंगे, सिंपल वेरिएबल काउंटर कॉल ऑटोमेटिक हो रहा है ना, पहले हम क्या लूप क्यों करते थे, कॉलिंग करने के लिए करते ना, तो कॉल ऑटोमेटिक हो रहा है और स्लीप भी ऑटोमेटिक कर रहा है, लूप की जरूरत नहीं, सही, रिपीट करवाने के लिए लूप की जरूरत नहीं। अब ये स्टार्ट कर देगा 500 टाइम्स, मैंने स्टार्ट किया भाई, मजा आया ना। अब टाइमर की फैसिलिटी क्या है, ये काम थ्रेड में भी कर सकते थे, टाइमर एफिशिएंटली हैंडल करता है, टाइमर को स्टॉप करेंगे ना ये वो काम नहीं करेगा, थ्रेड कर देता है, बकायदा एक जगह बना के प्रोसेस में स्टॉप होके खड़ा हो जाएगा और जब स्टार्ट करेंगे तो चलना स्टार्ट कर देगा। कैसे, एक बटन लगा देते हैं थ्रेड में, हो सकता है लेकिन थ्रेड में ना हमें बताना पड़ता है बकायदा एक थ्रेड स्टॉप तो कर दिया, अब थ्रेड को कहीं कहां स्टेट में ले जाके सेव करें, फिर उसको वापस कॉल करें, तो ये टाइमर ये सारा काम करके दे रहा है हमारा, स्टार्ट और स्टॉप, स्टॉप का बटन बनाया, स्टॉप के बटन पे मैंने सिर्फ स्टॉप का मेथड कॉल किया, स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट पे स्टार्ट हो गया, स्टॉप करने पे रुक गया, सर फिर स्टार्ट कर रहा हूं तो ये स्टार्ट हो गया, सही है, ये भी वही काम कर रहा है लेकिन एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। टाइमर जो है ना, पहले क्या होता था, थ्रेड अगर स्टार्ट स्टॉप करना है तो हमें खुद सारे काम करने पड़ते थे, उसकी मेमोरी रिलीज करना पड़ती थी, सारे दो तीन स्टेप्स थे, टाइमर एक फैसिलिटी उन्होंने बना के दे दी जो कि सारे काम खुद कर रही है, जावा जितनी एडवांस होगी उतनी आसान होगी, ना ये टाइमर खुद बना के दे दी, और जो काम थ्रेड चला रहे हो, लूप चला रहे हो, स्लीप करवा रहे हो, वो सारे काम ये खुद कर रहा है, आप सिर्फ कोड बताओ कोड क्या करना है, कोड सही है, दूसरा थ्रेड बनाना है, दूसरा टाइमर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, नया एक्शन लिस्टर बनेगा, नया थ्रेड बनेगा, एक्शन लिस्टर के बाहर, बाहर अगर बनाना चाहिए इसके बाहर बनेगा, मतलब इसके ये मैंने अगर दूसरा बनाना है ना, यहां बनाना पड़ेगा ऐसे, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, बी, इसका टी वन, इसका ये बी है, और इसको स्टार्ट करो, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और स्टार्ट और स्टॉप, स्टॉप करना चाहें तो स्टार्ट करना पड़ेगा, आज हम भी पोस्ट में हम नहीं कर रहे हो, अब इस पे स्टॉपर बन जाएगी, स्टार्ट स्टॉप हो जाएगी, मस्त नहीं बस थ्रेड डाल के एक्शन परफॉर्म करते हैं, सर टास्क सही लग रहा है, वो वाला वो सही है, गेम वाला ना, कैसे वाला, पहले गेम वाला, तो बाकी वो टाइमिंग वाला, टाइमिंग वाला वो मस्त नहीं, उसको बताया उस वक्त पढ़ा था हमने टाइम, टाइमर को पढ़ा है, अब आप टाइमर लगा सकते हो, देखो थ्रेड लगाओ, थ्रेड हर सेकंड बार चले,
एक एक प्लस करता है, फर्स कर लो हम एक मिनट में बना, जब थ्रेड की वैल्यू 60 सेकंड हो जाए तो एरर लिखा हुआ है जो ऑप्शन पे नहीं होगा, टाइम होगा मतलब किसी भी लॉजिक सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें अपने यूजर को शो करना है वो टाइम जो शो रहा है ना, या तो स्ट्रेंथ को मैच करते रहो क्या वो टाइम 60 हो गया, अगर हो गया तो गेम ओवर, आगे इंप्लीमेंट ना करे और यूजर को भी कुछ सारे बटन डिसेबल कर दो। वालेकुम सलाम, से तो पढ़ भी लिया था। गर्मी है ना इसलिए तो दो थ्रेड बना लिए हमने, टाइमर भी पढ़ लिया हमने, टाइमर पढ़ लिया, इजी है, वीडियो में देख लें इजी, उससे ही लिए थ्रेड, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, ना स्लीप कराना है ना लूप लगाना है, टाइमर बनाया उसको काम बताया, स्टार्ट करो स्टार्ट हो, स्टॉप करोगे स्टॉप होगा। सुबह ही सेंड कर दिए थे टास्क सर के आते ही देना, तीनों बैच के और को तो मिले, एक बैच को मिले, एक को नहीं मिला, ये बनाया था हमने, स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो गया, ये टाइमर पे स्टॉप करेंगे स्टॉप हो जाएगा, थ्रेड पे भी हो रहा था लेकिन थ्रेड पे फिर स्टार्ट नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना इस पे, ये देखो स्टार्ट करूंगा ना ये फिर से स्टार्ट, ये टाइमर की फैसिलिटी रिज्यूम हो रहा है स्टार्ट, आप स्ट्रीमिंग और डेटाबेस, स्ट्रीमिंग वो सब हो जाएगी, स्ट्रीमिंग इजी हो जाएगी, डेटाबेस डेटाबेस मंडे था बॉस, आज क्या वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे मतलब इसको मंडे का है, इसके बाद पता नेटवर्क की इंट्रोडक्शन है स्टार्ट आखिर में थोड़ा सा, सर जो टॉपिक सब समझ नहीं है वो अब लिख लो उसमें लिस्ट बना लो सारे बोल के कौन कौन समझ नहीं है, हम ये करेंगे प्रोजेक्ट के दरमियान जब आओगे जब फ्री टाइम होंगे हम समझाते हैं, इस तरह कर लो, नहीं नहीं प्रोजेक्ट जब मिलता है ना तो आप आते रहते हो ना यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ ही कर लो चाहो तो चले, और इसके अलावा भी आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो, प्रोजेक्ट जो मिलता है तो वो चलने में मिलता है कर दिए हम चलते हुए, मैं इसके खिलाफ हूँ चलते हुए देखेंगे, लेकिन ये कहते चलते हुए अभी आपको मैं प्रोजेक्ट दे दूँ, अभी आपके कितने दिन बचे हैं, 9 और 7 तकरीबन, बल्कि 9 भी नहीं 28 का महीना है ना, 14 दिन बचे ना, तो पहले तो रूल निकालता 15 दिन रह जाए तो प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए, अब अगर मैं अभी आपको डेटाबेस का प्रोजेक्ट दे दूँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा, चलो समझ भी आएगा प्रोजेक्ट समझ भी लिया, फिर जब आप डेटाबेस पढ़ोगे ना आपकी थिंकिंग ये होगी प्रोजेक्ट में कैसे करना है, आप ये नहीं सोचोगे इसमें क्या क्या हो सकता है, ये मेरी अभी भी से वो चल रही है लेकिन ये ना नहीं, तो 4 महीने पूरा कर, 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा कर, मैं नहीं करता, मैं खेलता हूँ आगे लेकर आखिर में होना चाहिए ना, ये होना चाहिए, मैं खेल देता हूँ 2-3 दिन 4 दिन तो मैं निकाल दूंगा आपको, थोड़े बहुत आपको करने पड़ेंगे कर देता हूँ, मेरी इशू की तो लड़ाई है मैनेजमेंट से, क्योंकि क्यों मिला हुआ स्टूडेंट को, उनमें से 2 स्टूडेंट ने करवाया ही नहीं, आए नहीं वो, वो एक कराची चला गया, एक शायद कहीं मोरो वगैरह का चला गया, अच्छा अच्छा हाँ उस वजह से गया होगा, और 2 ने करवाया 4 थे स्टूडेंट टोटल, तो 2 ने करवाया, हाँ हनीश उसके लिए वो चला गया, अच्छा वो
नाम उसका भूल गया, नहीं अभी चलेंगे ना, अभी आगे इसको खत्म कर रहे हैं थ्रेडिंग। अब ये टाइमर तो हमारा सिंपल हो गया एक, अब मैंने इसमें बनाया दो टाइमर। देखो कोड देख लो, ये कोड है सर, स्टार्ट मैंने नीचे किया, टी डॉट स्टार्ट नीचे लिखा, बाकी बस ये कोड जो बटन पे एक्शन इस तरह पे लगता है, ये मैंने बनाया और ये ए उसको टाइमर पे दे दिया। और 500 का मतलब है हर 500 मिली सेकंड बाद चलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ये कोड चलाता रहेगा। अब मैंने बनाया दो थ्रेड, दो टाइमर, नीचे दूसरा टाइमर बनाया मैंने एक्शन लिस्टर लगा के बी इंपोर्ट कराया जावा एक्स डॉट, दिखा ये दो टाइमर बनाए, ऊपर इंपोर्ट कराया जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टाइमर और डिक्लेयर यहाँ किया मैंने टी और टी वन दो बना लिया। सही, टी तो हमारा था, ये टी ये ग्लोबल कर दिया ना ताकि हम एक्सेस कर सकें टी। अब दोनों टाइमर हम यही स्टार्ट कर लेते हैं बटन से हटा रहा हूँ, ये दो पैरामीटर लेगा, एक कितने सेकंड बाद चल रहा है, दूसरा काम क्या कर, ठीक है, बटन से हटा रहा हूँ, बटन बटन ही हटा रहा हूँ। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही लेवल के थ्रू, एक चल रहा है 500 सेकंड बाद, दूसरा चल रहा है 1000 सेकंड मिली सेकंड बाद, दोनों काउंटर में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एक 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 सेकंड बात कर रहा है, दूसरा आधा सेकंड बात कर रहा है, तभी देखो इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी दो वैल्यू एक साथ प्लस हो जाएंगी, इसमें देखो 48 और 50 आ गया, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, नजर आ जाएगा। दो इंक्रीमेंट हो रहा है ना एक साथ, वो एक सेकंड बाद के दो थ्रेड इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको सिंपल दोनों को 500 पे लगा देते, सेम ही होगा, अब ऐसा लगेगा दो दो इंक्रीमेंट हो रहे है ना, पता ही नहीं चलेगा, दो दो होंगे ना क्योंकि दो दो एक साथ कर रहे हैं ना, तो क्या होंगे, दो दो होंगे, एक ही वक्त में कर रहे हैं दोनों। तो ये क्या हो रहा है, दो थ्रेड इसको एक ही दफा में कर रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं चल रहा, हम समझ रहे हैं दो दो कर रहे हैं इंक्रीमेंट। ये काम होता है कि अगर आपने एक एग्जांपल मैंने पहले भी बैंकिंग की दी थी एटीएम की, एटीएम में ज्वाइंट अकाउंट अगर आपके ज्वाइंट अकाउंट बैंक में अगर है, उसके दो एटीएम होते हैं ज्वाइंट अकाउंट के ना, दोनों एक साथ पैसे निकाल लें, तो अगर आपकी रकम 10,000 थी, आप दोनों 2,000 निकाले, तो दोनों के पास क्या जाएगा, 6,000 अकाउंट में रखे हुए 10,000, दो बंदों ने एक ही अकाउंट से एक साथ एक ही टाइम पे एक ही सेकंड पे इत्तेफाक कर 2,000 रुपए निकाल लिए, तो रिमेनिंग बैलेंस क्या शो करेगा, 6,000 है ना, तो वो तो परेशान हो जाएगा 2,000 निकाले 6,000 कैसे होंगे। चलो ये भी है कि हमें पता है ज्वाइंट अकाउंट है, हम अज्यूम कर लेते हैं मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये हैं, दोनों ने एक साथ 10,000 रुपये निकाले, दे देगा तुम, भाई उसने रिक्वेस्ट लेके किया 10,000 पड़े, बैंक को बोला 10,000 पड़े दे दो, बैंक ने 10,000 दोनों को दे दी एक ही वक्त में, बैंक का तो नुकसान हो गया, भाई बैंक क्या करता है बैलेंस चेक करता है, अभी तो होती है ना, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं होती होती है ना, अगर सिंपल स्ट्रक्चर में हम काम करें, दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों रिक्वेस्ट एक साथ जो इसमें हो रही है, दोनों रिक्वेस्ट एक साथ जाएंगे, चेक करेंगे 10,000 है, आई नहीं बोलेंगे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं, कैंसिल हो जाती है, पहले ऐसे था नहीं चलता था, और पैसे भी निकल जाते थे, अगर 1,00,000 पड़ा 1,00,000 निकालोगे तो दोनों तरफ 1,00,000 निकल जाएंगे, आपका बैलेंस माइनस भी जाता है,
लेकिन लोग इतना समझदार थे नहीं उसको, नया नया टीम आया था अब होगी तेज, हाँ वो कहते थे यार पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे, और भी बहुत सारा था इंटरफेक्शन उधर क्या क्या आ गया। अब इसमें होता क्या है कि 18 का जो रखा है ना अंदर, ये इसको एज अ थ्रेड लेके आ रहा है, ये एक थ्रेड आया है, एक रिक्वेस्ट जो आती है ना थ्रेड आता है, ये जैसे लेबल है ना इस पर ये दो थ्रेड गए एक साथ एक ही टाइम। अब हमें अपने ऑब्जेक्ट को अपने लेवल को या अपने बैंक को ऐसा बनाना है कि ये एक वक्त में एक ही को अलाउ करे, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक को सर्व कर रहे ना दूसरे को बोले वेट काम खत्म कर लूं फिर आओ, जैसे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, बिल्डर आते जाओ बफर एक एक करके आओ, हाँ उसमें ये वाली मिसाल मिलती है। इसमें क्या करेंगे अब हम एक्शन परफॉर्म में, इसको हम कहते हैं इसको रोकने के लिए हम जावा का एक कीवर्ड यूज करते हैं, उस कीवर्ड को कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हम मेथड के साथ भी लगा सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं, दो तरीके दोनों तरीके बताते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जो सिंक्रोनाइज के अंदर रखा हुआ है ना वो एक वक्त में एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर कोई मेथड बनाता हूँ मैं जावा में, हाँ नेटवर्क में तो बहुत काम आता है, ये रास्ता ऐसा ऐसा भेजता है एक करके भेजता है ना, ये तो सिंपल एक मेथड है, ये मेथड कोई भी कभी भी एक्सेस कर लेगा, इसका काम नहीं, इसको सिंक्रोनाइज बनाना। तो हमें इसके आगे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करना, ठीक है सही है। अब ये मेथड एक्सेस जब होगा ना एक वक्त में एक बार, एक वक्त में एक इंसान इसको एक्सेस करता है, वो मेथड हम मेथड लगा सकते हैं अगर चाहें तो मेथड लगा सकते हैं सर, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तरीका बताया यही मसला है उसके अंदर लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे एक नया मेथड बनाएंगे जो लेबल को इंप्लीमेंट करता है और वो मेथड सिंक्रोनाइज हो, कैसे हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वाइड कोई भी ऐड का मेथड बना लेते, ठीक है, और इसके अंदर ये मैं हाँ ये क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर मेथड बनता है ना विषय, अब ये मेथड जो है ना क्लास के अंदर है, मेथड का रूल क्या होता है भले ऊपर हो नीचे हो जब चलेगा जब कॉल हो, तो भले ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कॉल जब हो जब कॉल हो, अभी सिंक्रोनाइज मेथड, अभी इस मेथड को जब हम करेंगे ना क्या करेंगे अब ऐड डायरेक्ट नहीं करेंगे अब मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, दोनों पे मैंने मेथड कॉल किए, अभी भी काम आपको तकरीबन सेम नजर आएगा, उसका भी रीजन है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं ना आता सही में, लेकिन देखिए कहीं 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 भी थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट करेगा एकदम, कहीं माइनर से करेगा, बेसिकली वो कह रहे हैं दोनों को एक साथ नहीं कर रहा, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, हमारा प्रोसेस इतना फास्ट है कि एक खत्म फॉरन हो रहा है फॉरन दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अब हम एक काम कर सकते हैं अगर हम चाहें कि भाई जब थ्रेड कॉल हो जाए ना तो थोड़ा सा वेट कर लो फिर दूसरे को आ जाओ, खुद आप अगर कराना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि ऐड के मेथड के अंदर इसको वेट करा सकते हैं कि भाई ये 500 सेकंड 500 मिली सेकंड वेट कर लो, ऐड करो 500 सेकंड वेट करो फिर आओ। अब देखो अगर ये वेट कर रहा है तो थ्रेड एक काम में लगा रहा, अब दूसरा थ्रेड नहीं आएगा इसके पास,
जब तक के वो थ्रेड काम ना करे। हाँ डेटा को अभी क्या करेगा देखो, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब ये एक इंक्रीमेंट कैसे कर रहा है, हर 500 सेकंड बाद एक एक इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, पहला थ्रेड आया, उसने कहा कि अभी मैं इंक्रीमेंट करूंगा और वेट कर रहा हूँ, भले वेटिंग में लेकिन वो लगा हुआ अपने काम में। दूसरा आया और रुका हुआ, जब ये खत्म हो गया फिर यार के काम कर रहा, फिर पहला आया और रुक गया। तो ये हर 500 सेकंड बाद एक एक इंक्रीमेंट होता है, जब तक वो वेट करने का रिलीज नहीं करता दूसरा नहीं आएगा। अच्छा सर, अपने लिए पहले जो बोले ना आप कि अगर पहले ट्रेड वाला चलेगा हाँ। तो फिर दूसरी बार नहीं चलेगा, नहीं चलाए तो दूसरा चलता जाएगा, फिर वो थ्रेड ही नहीं माना जाएगा। अगर नहीं चलाए दूसरा जो चलाई वो पहला थ्रेड होगा ना। अब अगर सिंक्रोनाइज़ इक्विपमेंट हटा दूंगा, अभी देखो एक एक सेकंड बाद कर रहा है ना ये, अब अगर इसको हटा के मैं सिंक्रोनाइज़ के कीवर्ड हटा दूं, अभी वो सही है 1 2 3 4 9 8 10 सही, फर्क क्या हुआ। अब देखो इसने क्या किया कि ये दो थ्रेड चले 500 मिली सेकेंड बाद, दोनों उसके पास गए, दोनों ने एक इंक्रीमेंट किया और वेट पे लग गया। वो थ्रेड स्टार्ट कब हुआ था, एक स्टार्ट हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, कहीं तो डिफरेंस आया होगा ना थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में, एक ही वक्त में तो नहीं हुआ। अगर ये काम हम दो क्लासेस में रखें अलग अलग और दोनों को एक ही वक्त में इंटरप्रेट करें और मेन क्लास में हमारा ये काम हो रहा, तब वो कंकरेंट, अच्छा इसको कहते हैं, इस प्रोसेस है कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब होता है कि आपका ये सिंक्रोनाइज वे है, आपका कंकरेंट प्रोग्राम है, एक वक्त में एक चलाए लेकिन मल्टीपल कर सकता है। एक तरीका इसमें यह है आप इसमें सिंक्रोनाइज का कीवर्ड लगा दो। दूसरा तरीका अगर आप मेथड नहीं बनाना चाह रहे तो सिंक्रोनाइज का ब्लॉक बनता है। ब्लॉक कैसे बनता है, मेथड के अंदर हम लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ओपन ब्लॉक, ठीक है ये सही है। इस सी शार्प और दोनों में है ना, तो मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गया था। सेंटेंस का मैं देख लेता हूँ, सी शार्प उस पर दोनों में सही है। जावा में ये सरप्राइज दिस, इस ये करके ब्लॉक होते हैं, इसका मतलब होता है करंट क्लास में मौजूद है। अब या तो उसमें मेथड बना लो दूसरा सरप्राइज आ गया कोई दो दूसरे, ये फीचर अब आया जैसे वो आपने जो ट्राई में रखा वो 500 के ध्यान से बात चले, मतलब वो उसमें करंट के प्रीवियस की जरूरत, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़े। लेकिन उसमें हो क्या रहा था, वो दो थ्रेड लगा रहे थे ना, काम वो अलग अलग तरीके से कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे। या इसमें कोई हम ऐसा काम करें ये काम वैलिड है इसके जरिए,
देखो ऐड के मेथड में क्या हो रहा है, लूप चल रहा है 1 lakh टाइम्स और वो लूप प्रिंटिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 थ्रेड के जरिए इस लूप को कॉल कर रहा हूं, ए और बी। फ्रेम को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, विजिबल फॉल्स करा देते हैं, तो थोड़ा तंग करेगा। एक थ्रेड है जो 2 सेकंड बाद चल रहा है, एक ही थ्रेड है अभी, और जब चल रहा है तो 1 लाख बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 लाख बार आई प्रिंट कर रहा है, सिर्फ आई, यहाँ पे आई लूप भी लिखा है, लूप की वैल्यू 1, इसका मतलब 1 और करता रहेगा। जब ये फिर से स्टार्ट होगा, फिर से मेथड कॉल होगा, ये 2 करेगा, मतलब ये 2 सेकंड बाद एक और थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, सही सही है, प्रिंट दूसरा थ्रेड। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इस तरह डिफाइन करूँ, थोड़ा सा ये मतलब पीछे से चीजें रिलीज करके थोड़ा सा ये समझो, ये मेथड, ये थ्रेड हर 2 सेकंड बाद लूप स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। लूप क्या हो रहा है, स्टार्ट 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 इस तरह चल रहा है, 2 सेकंड बाद एक दूसरा लूप भी 2 2 करके अपनी प्रिंटिंग शुरू कर देगा, 2 सेकंड बाद तीसरा लूप भी स्टार्ट हो जाएगा, हर 2 सेकंड बाद लूप स्टार्ट होता है, अलग। हाँ वही तो, 2 स्टार्ट हो रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, प्रिंटिंग तो एक जगह पे होगी ना, नजर सामने आती है, अभी तो प्रिंट प्रिंट तो एक ही जगह कर सकते हैं ना, लेबल्स बनाए तो अलग अलग कर सकते हैं, प्रिंटिंग हम कर रहे हैं तो ये प्रिंटिंग हमारी हो रही है इस तरह से, देखो 1 1 1 1 2 सेकंड बाद ये सेकंड वाला भी स्टार्ट हो गया, फिर थर्ड वाला, ये आना चाहिए 1 1 lakh टाइम, क्योंकि हाँ जस्ट 1, क्योंकि मैंने लूप ये 1 lakh टाइम चलाया, ठीक है। और इस लूप को हम स्लीप कर देते हैं 1000 सेकंड के लिए, पहले आप आउटपुट देखो, टाइम लगेगा लेकिन ये क्या कर रहा है, एक एक प्रिंट, सही है, सही। तो मतलब ये एक आधार हो जाएगा तो रुक जाएगा, ये रुक जाएगा और दूसरा थ्रेड बना स्टार्ट कर ले, दूसरा थ्रेड स्टार्ट नहीं किया हमने अभी, सही इसके से मसला नहीं पता है, कौन सा ये बन ही नहीं होता है, ये कुछ काम कर रहा होता है ना फ्रेम जब बन नहीं होता, ये हाँ देखते हैं। सही है, समझ आएगी। तो इसमें ये एडिंग करेगा इस मेथड को, अब अगर इस मेथड को मैं सिंक्रोनाइज करूँ तो ये मेथड आपका एक वक्त में एक लूप को सर्व कर सकता है,
एक वक्त में एक, पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड का मतलब होता है कि जो मेथड में सिंक्रोनाइज ऑप्शन है वो मेथड एक वक्त में एक रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते। जो हम बैंकिंग क्लास बनाते हैं ना, बेसिकली वो इस तरह बनी हुई होती है। अमाउंट में कुछ है नहीं, जो भी हम यूजर देगा कॉल करते हैं मेथड को वो उसमें प्लस हो जाएगा, जीरो होगी ना बाई डिफॉल्ट में, जीरो में प्लस हो जाएगा। बैंक क्लास स्टार्टिंग में बनाते हैं, आया समझ या नहीं? मुश्किल तो है थोड़ा ट्रेडिंग, मतलब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं कि एक वर्ग में एक चीज को अलाउड है, पेंडिंग कर। अब हम काम करेंगे, अभी इसको मैं क्लियर करके भेजूंगा आपको, भी खत्म नहीं हो रही क्लास, हाँ क्लियर हो जाएगा आपका। अभी दो मिनट बाद जब इंटीग्रेट करोगे इन चीज़ों को आपको समझ आ जाएगा क्या होगा, अभी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा टॉपिक चल रहा है। क्लास तो 9 बजे भी 8 बजे 8 बजे बजे अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे बताओ कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना बन जाएगा सिंपल। क्लास है मेरे पास ये, इसका ऑब्जेक्ट बनाना सिंपल बन जाएगा। अब मैंने टास्क दिया था और वो टास्क याद करो कि अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाऊं ये प्रिंट कर दे कितनी ऑब्जेक्ट बने, एक ही नाम से मतलब यहां पे मैं ये कर रहा हूं ना, तो ये हर बार ऑब्जेक्ट बनाने पे प्रिंट करें ऑब्जेक्ट 1 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड, लूप के साथ कैसे होगा, मतलब इस क्लास में कहीं भी प्रिंट नहीं करवा रहा किया था हमने टास्क, थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ याद आ जाएगा, हमने कंस्ट्रक्टर में किया था, कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया था कि यहाँ पे इसका बना लिया था कंस्ट्रक्टर और एक ले लिया था काउंटर जीरो, ऑब्जेक्ट काउंटर क्रिएटेड और काउंटर प्लस प्लस कर दो, याद है हाँ थोड़ा नहीं है अच्छा ये क्या करेगा, इसकी लॉजिक थोड़ी सी देखो क्या करेगा, ये वाला कहीं भी नहीं, अब क्या करेगा ये दोनों पूरा प्रोग्राम अगर मैं चलाता हूँ तो ये पूरा प्रोग्राम क्या करेगा, सर आप ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी पड़ेगी, वो तो पेरेंट क्लास का होता है यानी इनहेरिटेंस वही, अच्छा पूरे क्लास को कॉल कर रहे हैं ना, तो क्या ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चलता है, ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चल जाता है, एक बार इंक्रीमेंट भी कर रहा है कंस्ट्रक्टर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन गया क्लास हो गया, तो ये क्या करेगा सिंपल प्रिंट कर देगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बिल्कुल, ऑब्जेक्ट वन क्रिएटेड ठीक है। अब क्या होगा, क्या लिखा है
ग्लोबल है ना, क्लास के अंदर आउटपुट क्या दिखाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट वन के लिए ऑब्जेक्ट टू के लिए भूल गया, भूल गया क्यों सर? देखो क्यों कर दिया ये सर, क्यों ऊपर क्लास जब चल रही है उसको बी को ऑब्जेक्ट मिला अपना, उसने अपना बी वन किया, बी किया खत्म हो गया, वो अपने तक चल गया, बी वन को तो उस क्लास की नई कॉपी मिली है ना, हर किसी को नई नई कॉपी मिल रही है ना, तो क्लास क्या कर रही है उसको वन कर रही है, हर किसी को अपना नया काउंटर मिला जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बंद जितने ऑब्जेक्ट बना हुए ऑब्जेक्ट वन लिखा हुआ है, किया था हमने टास्क याद करो कि ऐसा कैसे होगा कि मैं जितने ऑब्जेक्ट बनाऊँ इसी काउंटर पर इफेक्ट पड़े, सब इसको शेयर करें एक ही वेरिएबल, इसकी कॉपी नहीं जाएगी किसी के पास, अगर इसको हम स्टैटिक कर दें, स्टैटिक का मतलब क्या है कि अब प्रीवियस में ऐड हो, अब जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे ये सब पे यही करता जाएगा, सही है, ये तो पुराना वाला है, ये तो नया वाला आ रहा है, ये तो पुराना वाला, हाँ आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर एक बन जाए तो दूसरी बार एरर दे दे, एरर क्या दे दे, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड एक दफा बन चुका है, नाम से मनाएंगे एक काउंटर तो स्टैटिक है ना, तो यहां सिंपल अगर हम ये कर दें कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ठीक है, अगर काउंटर वन है तो जो दूसरा कोई बनाएगा ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रोका है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सिर्फ प्रिंटिंग दिखाई है, तो ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, रोका नहीं है ना हमने कहीं, प्रिंटिंग रोकी है बस, प्रिंटिंग में बन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट बता दे, नहीं आ रहा तो एरर दे, हालांकि ऑब्जेक्ट बन रहा है सब, और ऑब्जेक्ट नहीं रोका अभी हमने, यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना सब बनेंगे, सारे बनेंगे ऑब्जेक्ट, इन सबको यूज भी कर सकते हैं, बस प्रिंटिंग के वक्त क्या है जहां वन था वहां पे ऑब्जेक्ट लिखा था, बाकी ये लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट अभी बन रहा है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट रोका नहीं है, और रोक भी नहीं सकते, इस तरह से नहीं रोक सकते, ऑब्जेक्ट बनने का सबूत क्या है कि अगर मैं नीचे प्रिंट कराता हूं बी थ्री डॉट काउंटर, तो बी थ्री बन रहा है जब भी काउंटर करेगा ना एक्सेस, तो देखो काउंटर की वैल्यू आ जाएगी सिक्स, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट बने ही ना, मुश्किल है, पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल करते हैं, हमने नहीं किया, हमने ये किया एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं, हमने एब्स्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, ये में जो ऑब्जेक्ट है ना कंस्ट्रक्टर हटा के एक मेथड दे रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस,
किसी भी नाम से मेथड हो कोई जरूरी नहीं, void get instance या कुछ भी रखो। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की काम आता, ये मेथड एक सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। ये मेथड में रखते क्या है, हम रखते हैं एक चीज, देखो बैंक b इक्वल टू न्यू बैंक रिटर्न b और रिटर्न टाइप दे देते हैं बैंक, क्या करेंगे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देगा जब आप मेथड कॉल करोगे, सही है। जैसे हमारा नाउ करता है लोकल टाइम में, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देता है ना आपको, वो भी ये करेगा। अब हम क्या करते हैं इसमें कि अगर हम ऑब्जेक्ट अब इस तरह बनाना चाहें, बैंक बी इक्वल टू बैंक डॉट गेट इंस्टेंस स्टेटिंग है तो इस तरह ही कॉल हो सकता है, पॉसिबल है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, वो क्लास ऑब्जेक्ट बना के आपको दे रही है, आप वही ऑब्जेक्ट उसने बना के दिया एबीसी में रख रहा है, एबीसी साहब कॉल करो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इस तरह ही बना सकते हैं, तो इस तरह क्यों कर रहे हैं उस पर आते हैं कि क्यों कर रहा है, फिर डायरेक्ट हो रहा है तो इतना लंबा काम नहीं करते, समझ आ रहे हो कैसे। हाँ वो क्लास क्या कर रही है, वो आपको कह रही है मैं अपना ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर रही हूँ, आपने यहाँ से पकड़ ली गेट सेंस कॉल कर, गेट सेंस का मेथड क्या कर रहा है, बैंक का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, जाहिर है जब वो रिटर्न करेगा यहाँ से बैंक, बैंक क्लास का रिटर्न कर रहा है ना, तो यहाँ बैंक में बैंक टाइप में गेट कर लेगा भी एबीसी, वो कैसे कर सकते उसके अलावा नहीं। अभी गेट सेंस कॉल करेंगे ना, गेट स्टेंस क्या कर रहा है, आपको अपनी क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर रहा है, और यहाँ पे वो एबीसी में रख रहे हैं जो उसका थ्रो किया हमने, सही है, वो करना चाहेंगे ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसको सबूत के लिए हम देख लेते हैं, इंटीजर एक वेरिएबल ले लेते हैं अमाउंट, ठीक है, यहाँ मैं दे देता हूँ ए बी सी डॉट अमाउंट इक्वल टू 500 और प्रिंट करा के देखते हैं कि इस चीज़ को हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, करना चाहिए हमें क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, सही है। अब देखो देखो बैंक क्लास हमें एक मेथड देती है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया, मैं कह रहा हूँ कि जब ये क्रिएट ऑब्जेक्ट कॉल हो, ये क्या करे, एक बैंक का ऑब्जेक्ट बनाए और रिटर्न कर दो, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया एबीसी में आ गया, हम जैसे चाहे कर सकते कर सकते, सही है, समझ आए। हाँ क्यों कर रहे हैं, इस पर भी आता है ना रीजन, क्या इतना लंबा काम क्यों कर रहे हैं, सिंपल कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं, ये बात है ना कि इतना लंबा काम क्यों कर रहे हैं, इसी पे आ रहा हूँ मैं, लंबा काम क्यों कर रहा हूँ।
बैंक बी टू एक और ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट ऑब्जेक्ट बी टू डॉट अमाउंट 400, प्रिंट एलेंट बी टू डॉट अमाउंट, ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, इसको अलग ऑब्जेक्ट मिला, उसको फिर से नया उनके मिला है ऑब्जेक्ट, इसके पास 500 आएगा, उसके पास 400 आएगा, सही है, यहां तक क्लियर। अच्छा एक चीज और कंफर्मेशन के लिए कर लेते हैं, यहां मैं प्रिंट करा रहा हूं एबीसी डायरेक्ट, और बी टू डायरेक्ट, डायरेक्ट से क्या होता है सर वो नंबर आ जाता है, और उसकी लोकेशन एड्रेस वगैरह मेमोरी एड्रेस आ जाता है, दोनों के अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, कंफर्मेशन है, मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट हूँ, वेरीफाई हो। अब एक काम करते हैं, यहां पे अब लगाते हैं काउंटर, वही बात स्टैटिक इंट काउंटर इक्वल टू जीरो, इफ काउंटर इक्वल इक्वल वन, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, एक काम और कर ले, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर भी बन रहा है ना, अब देखो इसमें इसमें क्या करते हैं, हम एक थोड़ा सा काम करते हैं, अगर काउंटर वन है ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, वरना नल दे देगा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना, है ना। अब यहां से जब हम ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कराएंगे, एक ऑब्जेक्ट बना के मैं प्रिंट करा रहा हूं एबीसी, तो ये ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कर देगा, तो भी इसका मेमोरी एड्रेस है। अब मैं फिर से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं एबीसी वन के नाम से, नल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। अब हमें इसमें एक चीज और करनी है, अब तो इजी एक चीज करनी है कि जब नया ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, मैं ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा अभी, पुराना ऑब्जेक्ट उठा के मुझे दे दे, पुराना ऑब्जेक्ट उठा के दे दे, इजी है। अब तो अब एक स्टेप का काम है, मतलब देखो स्टैटिक बैंक माय ओबीजे, ये क्या करे कि माय ओबीजे में नया ऑब्जेक्ट बनाए और रिटर्न कर दे माय ओबीजे, अब क्या होगा, अगर वन है तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और रिटर्न कर देगा, और वन से ज्यादा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट बन गया, तभी तो वन से ज्यादा हुआ है, तो जो बन गया था वो स्टैटिक में सेम, मतलब सबके लिए सेम, वो आपको दे देगा पुराना ऑब्जेक्ट। इसके रीजन क्या है, क्यों सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा फ्लॉ है, लेकिन इसका रीजन क्या, हम करते क्यों, देखो अभी हमने यहां पे दो ऑब्जेक्ट बनाए एबीसी और एबीसी वन, अलग अलग
दोनों प्रिंट के दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों को सेम ऑब्जेक्ट मिल गया, सही है। अब ये काम हम करते क्यों है, हमारे पास काम क्यों आता है, जावा की एप्लीकेशन में एक फ्रेम बनाया, क्लिक किया फ्रेम ओपन हो गया, फ्रेम ओपन फिर क्लिक करूंगा फिर नया फ्रेम ओपन हो जाता, मैं चाहता हूँ नया क्लिक करने पर वही वाला वापस आके ओपन हो, जैसे स्काइप ओपन करते हो ओपन हो जाता फिर ओपन करते हो तो नया नहीं खुलता, वही वाला वापस आया था, और नोटपैड बार बार नया खुल रहा हो, इस तरह से पुराना ऑब्जेक्ट उठा के शो कर रहा, ठीक है। अब इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते इस मेथड के थ्रू, कंस्ट्रक्टर से तो बन सकते हैं, उसका तरीका क्या, हम कर देंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर चलाएगा, मेथड तो चलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब कंस्ट्रक्टर से नहीं बनाना, इससे बनाओ जैसे लोकल टाइम है, नाव से बनाओ डायरेक्ट नहीं बनाना, वो ये तरीका, क्लियर हुआ है। हाँ, अब क्या पॉसिबल है कि मैं इसके दो ऑब्जेक्ट बना लूंगा अलग अलग, जितनी बार में गाइडेंस कॉल करूं नहीं है, ठीक है ना, कोई तरीका है बना लूं यहाँ से, वो क्लास लॉक हो गई है, कोई तरीका है यहाँ से बन जाए, कोई तरीका है जिससे बन जाए यहाँ से, कंस्ट्रक्टर हटा दो, उसकी हम बात नहीं कर, गेट इंस्टेंस या क्रिएट ऑब्जेक्ट के मेथड के थ्रू मैं दो ऑब्जेक्ट बना लूँ, कोई तरीका है बन जाए, कोई दिमाग में आ रहा है कि जिससे बन जाए, ये क्लास मतलब हम इसको नहीं छेड़ते क्लास को, ना इसके किसी वेरिएबल को छेड़ रहे, ऑब्जेक्ट बनाना मतलब इस क्लास के किसी वेरिएबल को नहीं छेड़ रहे, ना इस क्लास को छेड़ रहा, मैं सिर्फ क्रिएट ऑब्जेक्ट का मेथड यूज करूं दो बार और दोनों से नए नए ऑब्जेक्ट, इसको कुछ नहीं छेड़ रहा, ना इसके किसी वेरिएबल को, ना मैं काउंटर जीरो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ये लॉक क्लास है, कोई तरीका इसे दो ऑब्जेक्ट एक साथ बना लूं, अब मैं तोड़ू सिक्योरिटी, ये सिक्योर हो गई ना, ये दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देंगे, अब मैं सिक्योरिटी को तोड़ना चाह रहा हूं, चेंजिंग ये तो बनी बनाई क्लास है, ये तो बनी बनाई क्लास है, ये मिल गई है फैसिलिटी, मैं उस क्लास में चेंजिंग कर सकता हूँ जो चाहूँ, मेन क्लास मैं यूजर हूँ जिसकी मुझे वहां तक का एक्सेस है, उसके थ्रू इसकी सिक्योरिटी कैसे तोड़ सकता हूँ, कोई आइडिया ध्यान में आ रहा है भाई, वो कर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट काउंटर को बंद कर रहा है, काउंटर बंद है तो आपको ऑब्जेक्ट बना के दे नया, काउंटर बंद नहीं है तो नहीं, दो बार कॉल करने में तो काउंटर टू हो जाएगा, अगर मैं क्रिएट ऑब्जेक्ट कॉल करूं बंद हो और ऑब्जेक्ट दे रहा, अगर मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालूं कि दो प्रोग्राम बना लूं दोनों एक साथ क्रिएट ऑब्जेक्ट को कॉल कर दें, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त मतलब या इसी प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम में दो दफा उस मेथड को कॉल कर दो एक ही टाइम, अभी क्या हो रहा है सर, मगर इस क्लास में जो बिल्कुल होगा, अब ये दो ऑब्जेक्ट कब जा रहे हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट बन रहा है फिर नीचे वाला कोड चल रहा है, दोनों कोड अगर एक साथ चल जाए, दोनों उसको बंद करेंगे एक साथ, दोनों को बोलेगा बंद हो गया और दोनों को ऑब्जेक्ट दे देगा, नए नए न्यू नया ऑब्जेक्ट देता है एक ही साथ, अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए यहाँ से मैं एक साथ कॉल करूँ, अभी एक साथ नहीं होगी, अगर मैं इसको एक नए थ्रेड में रख दूं, अच्छा थ्रेड इस तरह बनाया था,
अभी दोनों काम एक साथ होंगे ना, है नहीं होंगे? ये ऊपर लगाएंगे, वो थ्रेड बनाएगा, रिलीज कर देगा कंपाइलर को, आगे जाओ मैं बना रहा हूँ थ्रेड, दोनों एक साथ कॉल अगर कर दे, अगर इत्तेफाक से एक ही सेकंड में कर दे, एक ही मिली सेकंड में कर दे, तो क्या होगा? कहीं मतलब अभी गैप नहीं आया ना, कहीं गैप आ जाए, आया ना किसी किसी उसमें गैप आ जाए, हाँ कर देते हो ना। अब मैं बार बार इसको भेज रहा हूँ, कहीं तो ऐसा होगा छोड़ देगा, छोड़ दिया ना, नल आ गया था ना, ये देखो कहीं कहीं नए ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं ना, चेंज हो रहे हैं ना, सिक्योरिटी खराब हो गई ना, कि अगर मैं यहाँ से एक साथ भेज दूँ नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को बनाएंगे सिंक्रोनाइज। अब दो आओ, चार आओ, छह आओ, एक वक्त में एक को एक सर्च करूंगा मैं, अब दोनों आगे मेरे काउंटर को नहीं छेड़ सकते, आप आएंगे आने देगा, एक एक करके सर्च करेगा, क्या चीज सिक्योरिटी किस हिसाब से लीक है? देखो कहीं भी चेंज नहीं हो ना, पहले नल ही आ रहा था, एक वाला था, किस हिसाब से? हाँ ये नहीं पता, ये वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आती है ना, अपना यूजर नेम पासवर्ड लेके आते हैं, वो ऑथेंटिकेशन में करना पड़ेगा, वो फिर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, मैं वेरीफाई करके दूंगा, है ना, उसमें दो वेरिएबल हो, यूजर नेम पासवर्ड, ये यूजर नेम पासवर्ड सही है तो दूंगा। देखो हो गए सिक्योर, अब आप देख जब भी कॉल करोगे तो यूजर पासवर्ड पता है, तभी होगा। हाँ ये हल्की फुल्की यूजर पासवर्ड और सिक्योरिटी लगती है, इनकोडिंग विनकोडिंग लगती है, लेकिन सिक्योर हो सकता है वो तो होगी। नहीं होता है, सिक्योरिटी लैप्स होते हैं, लेकिन वो लैप्स अगर सिक्योर करना चाहिए, हो सकता है भाई मैं कोई लाइन मिस कर दूं, गुमान हो, नहीं करूँ मैं सिक्योरिटी की वर्ड भूल जाऊँ, काम तो मेरा हो रहा था ना, फिर भी सिक्योर नहीं है आपका जो एटीएम है ना, आप उसको शॉपिंग वेबसाइट पे अगर यूज करने जाओ कैसे करोगे? किए भी शॉपिंग वेबसाइट पे यूज, शॉपिंग वेबसाइट से आपसे मांगता है इसका नंबर, ये नंबर लिखा हो, एक्सपायरी डेट ये लिखी, फिर मांगता है पासवर्ड एटीएम का, पिन कोड नहीं, सीसीवी कहलाता है, ये लिखा होगा उस पर, सीसीवी कहलाता है शायद, सीसीवी मांगता है, सीसीवी लिखा होता है नीचे, कोड इसमें, अगर इसकी मशीन बना लो इसको क्लिक कर लो, डिकोड करना आ जाएगा, ये बोलना। तो ये आपकी शॉपिंग वेबसाइट के लिए सेफ तो नहीं, आपको इसे एटीएम पड़ा हुआ मिला, ये नंबर लिखा है, ये सब पासवर्ड लिखा है, है ना, तो सिक्योरिटी लैप्स तो कहीं ना कहीं है, कभी क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट के ऑप्शन देखना, यही चीज़ें मांगेगा, तीन चीज़ें और ये लिखा हुआ सारा, कोई ऐसी चीज़ें जो कि मुझे ना पता हो मैं आपको दूंगा, आपसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये मैग्नेटिक कार्ड में होते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कहलाती है, ये ट्रैकेबल है, कर सकते। तो सिंक्रोनाइज का समझ आया? अब मैंने दो थ्रेड बना के एक साथ एक्सेस करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं तो वो हो रहा है ना,
जहाँ हो रहा है वहाँ पे नहीं, अब नहीं हो रहा है साथ क्यों हो रहे हैं दोनों, दो ऑब्जेक्ट कार्य कर रहे हैं, मेरे फोन क्यों आ रहा है दोनों में इंटरनल आ रहे हैं कार्य कर रहा है। ये देखो एक ये वाला कॉल करेगा और फौरन ये वाला कॉल कर देगा, दो थ्रेड होगा ना, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सेम क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है दोनों, डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं, डिफरेंट नहीं मिल रहा, अब वो डिफरेंट नहीं बना, चाहे कितने लोग आ रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो बना हुआ, डिफरेंट नहीं मिलेगा, दोनों सेम ही रहेंगे हमेशा। वो तो मेमोरी के ऊपर गया, मेमोरी का एड्रेस ला रहा है ना, कभी मेमोरी यहाँ बना रहा है कभी वहां बना रहा है, ये चीज तो सेम है, लेकिन जहां बनाएगा दोनों को वही देगा एड्रेस, ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो दोनों अलग भी हो सकते हैं, नल भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, ये गारंटी सिंक्रोनाइज की, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड हमारे लिए इसलिए। अब कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें एक वक्त में आपको पता हो कि दोनों एक्सेस करेंगे तो मेरा नुकसान है, तो वहाँ सिंक्रोनाइज मेथड बनाते हैं, डेटाबेस में, नेटवर्किंग में करेंगे, नेटवर्किंग में डेटाबेस के पास ना कि भाई एक यूज़र ऐड हो रहा है, मार्ट चल रहा है, दाऊद मार्ट, वो यहाँ से वो करते हैं बार कोड, प्रोडक्ट के पैसे आए थे, बाय करते हैं प्रोडक्ट बिक जाते हैं, लेकिन वो उनको बता भी रहा था स्टॉक में 100 प्रोडक्ट पड़ी हुई, दो भेजी जा सकती है, लेकिन वो मेथड सिंक्रोनाइज होना चाहिए, क्यों, हो सकता है स्टॉक में ही प्रोडक्ट पड़ी हो और दो काउंटर एक साथ उनको स्कैन कर, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, स्टोर में है तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक साथ स्कैन हो जाए तो जहाँ में डेटा का खतरा होता नहीं, दो लोग एक साथ करेंगे तो मसला हो जाएगा, वहाँ सिंक्रोनाइज करेंगे। अब आपने करना क्या है इसमें, सिंपल सा टास्क देगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैंने टाइम शो करा था याद है, टाइमर चल रहा था, आपको एक फ्रेम बनाना है जिस पर 5 कंट्रीज के टाइम शो होंगे अलग अलग डिफरेंट, जिसमें पाकिस्तान, लंदन, कोई भी 5, इंडिया, ठीक है, एक ही फ्रेम पे 5 क्लॉक शो, 5 लेवल पे या 5 एक ही फ्रेम पे 5 लेवल पर, अब इस पर आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा डेट और टाइम वाला सब्जेक्ट, जीएमटी से हो जाता है, हम एडिशन डिलीशन कर सकते हैं टाइम के अंदर, पाकिस्तान टाइम उठा के 5 घंटे ऐड कर सकते हैं, वो भी बना हुआ बिल्कुल, टाइम जोन से कर सकते हैं, 2-3 लॉजिक उस वक्त बताई गई, अब कौन सी लॉजिक से आप करते हो, लेकिन चलना चाहिए, मतलब इन डिस्प्ले हो चलना चाहिए करंट टाइम, अब उसमें अगर डिजाइनिंग चाहो तो करो ना करो, लेबल आने चाहिए, चाहो तो फ्लैग लगा दो, नहीं लगाओ लेबल आने चाहिए, ठीक है, चलो ट्राई करो, देखो अगर आधा घंटा है अगर कर सकते हो तो नहीं तो कर सकते, चलो देख लो जो आसानी लगे।